जी बोल रहे हो क्या? जी हाँ बोलो भैया, कौन आप? रवीश बहुत बोल रहा हूँ, बुद्ध कथावाचक। अच्छा जी भैया बोलो, भैया जी, आपने गाना गाया है कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया। जी अच्छा जी बिल्कुल भैया, आपके पास में कोई प्रमाण है? जी बिल्कुल है सर। कहाँ कहाँ का प्रमाण है? वो कहाँ का मतलब कहाँ पढ़ा है आपने? इतिहास में लिखा है भाई? कौन सी इतिहास की कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब बाट सा पढ़ा लिख के भेजो, हम भेजें आपको प्रमाण। अच्छा भेजिए। आप कितने पढ़े लिखे हो भैया? कितनी बुक कितनी किताबें पढ़ ली आपने इतिहास में? क्या भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने पढ़े लिखे हो आप, कितनी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई भैया कॉलेज वगैरह सब क्लियर है? कितनी नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई? बीएससी, बीकॉम। अच्छा बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या बीकॉम की बीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बीए की बता दो। अब ये तो नहीं पता यार, क्यों बीए किया है आपने? बीए की फुल फॉर्म नहीं आपको पता है? किससे बहुत से किया है। किया है? है? भोज यूनिवर्सिटी। अच्छा नहीं, किसी अरे भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। बीए की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? चलो तुम तो काम की बात बताओ भैया। काम अब की बात यह है, आपने इतिहास की कितनी किताबें पढ़ ली हैं मुझे ये बताइए पहले। इतिहास की, इतिहास की कितनी बुकें आपने पढ़ ली हैं? अरे आप तो ये बताओ, अपने पढ़ी हो ना पढ़ी, आप तो पॉइंट पे बताओ क्या चाहिए नहीं, आपको। आपने चंद्रगुप्त मौर्य को गडरिया कैसे कह दिया है? वो गड़री है भाई, वो है समाज के, तो यार वो तो कहेंगे। हाँ तो अभी पता चलेगा ना आपको, एफआईआर जो हो रही हैं, जब जेल हाँ जाओगे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ के मुकदमे में, तब पता चलेगा अच्छा, आपको। एक महान व्यक्ति है, उसके नाम के आगे महान शब्द लगा हुआ है, दादा सम्राट शब्द लगा हुआ है, अखंड भारत के निर्माता हैं। तुमने हाँ उनको एक बिल्कुल जात सूचक शब्द दे के और उनके इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो। पता है कितना भाई, बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे? भाई नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है। तो यही तो हम कह यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं। किसी आदमी के नहीं बहकावे में आके आपने एकदम, आपको पता है गाना बजाना करना इतना आसान होता क्या? वो तो सही है, आप बोल बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। आपने इतिहास की, वो भी इतिहास की चीज, आप गाने, मैंने आपके गाने सुने हैं, आपने गाने गाए हैं, वो चीज अलग बात है। गाते आप अच्छा हो उसकी बात नहीं है, आपको पता है इतिहास से गाना, राजनीति पे गाना गाना इतना आसान होता है क्या? जब तक आपके पास में प्रमाण ना हो, प्रत्यक्ष नहीं हो, तब तक आप गाना नहीं गा सकते हैं। चलो ठीक है, आप बताओ, तुम तो काम पे बताओ क्या है कब। काम ये है, आपने उनको गरड़िया कैसे कह दिया है? चलो डल गया, अब नहीं डलेगा। ठीक है नहीं तो गाना वहां से डिलीट कराइए, उन लोगों से कहिए भैया गाना काटिए इससे हमारा। वो सोशल क्या। मीडिया पे आके अपने वीडियो वगैरह डालिए, लोगों को बताइए कि भैया फलाने के किसने किसने गाना लिखा है, ये राइटर है अपने कौन राइटर है? धर्मेंद्र बघेल धर्मेंद्र बघेल कितने पढ़े जी। लिखे हैं वो? क्या कितने पढ़े लिखे हैं धर्मेंद्र बघेल? ये तो नहीं है भैया पता हमें। तो उनसे ये पूछना चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था, इतिहास कहाँ से है, चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य को गडरिया आप कैसे कह ये दिया? कह रहे, आप ये कह रहे हैं, आप हम आपकी बात मान रहे हैं, तो आप बता दो भैया, जैसे हम अगर गलत हैं तो आप बता दो कि मतलब हमारी गलती है कहाँ। आपकी गलती यह है, आपने उनके नाम के आगे गडरिया शब्द जोड़ा हुआ है, जबकि इतिहास में लुता जाए चंद्रगुप्त मौर्य शब्द साफ साफ लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा कहीं आपने लिखा देखा है गडरिया शब्द, कहीं लिखा देखा है? किसी ने बताया? अभी योगी जी ने बोल दिया था एक बार, आपको पता है योगी जी ने क्या बोला था? पता है आपको, जानकारी है? आप ये बताओ, कभी आप दिल्ली गए संसद भवन? जी मैं गया हूँ। आप जो कहना चाह रहे हो ना कि वहां पे ये हाँ लिखा है, कहाँ पे लिखा है, है, कहाँ पे लिखा हुआ है? तस्वीर के नीचे वो। आप ये बताओ, आप दिल्ली कितनी बार गए हो संसद में? मैं तो भाई बार एक बार गया हूँ ओनली, अच्छा संसद के कितने स्तंभ होते हैं? अब ये नहीं पता मुझे, उस वहां पे मैं फोटो भी नहीं खींची ये बता दिए संसद थी। में क्या होता है, अब ये नहीं पता मेरे को भाई। तो बस तो यही तो कहना चाह रहे, जानकारी नहीं है, लोगों ने आपको भड़का दिया जो मन में आ रहा है भाई, आप दूसरों ने कह दिया भाई आप भी कहने लगे। संसद पता है आपको, संसद के कितने स्तंभ हैं, देश के कितने स्तंभ हैं? आप संसद की देखो बात कर रहे हो? भैया हेलो, थोड़ा एक मिनट सुनोगे आप? हम आपको जी तो बोलिए भैया। बालक चंद्रगुप्त का जन्म 1904, वो 340 ही पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त जन्म किसमें से, कब सुनो हुआ था? पूरी बात सुनो, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए कब हुआ था? 340। 340 क्या? 340
340 ई में। ई में ई क्या होता है ये? पूर्व में हुआ था नहीं, ई क्या होता है मुझे यही बता दीजिए आप। क्या ई क्या होता है जो आप ये बोल रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य 340 ई, ई क्या होता है ये? ई के पूर्व में हुआ था। ई पूर्व क्या होता है ये बता दीजिए आप। अब जी नहीं, या आप ही बता दो तो हम समझ जाएंगे। तो बस इसीलिए तो कह रहे हैं ना, जो लोग दूसरे कैदी ने आपने उसी के अनुसार गाना को भर दिया है। आप इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, पता है मुकदमा लगेंगे, जेल चले जाओगे। तो भाई अपनी समाज का नाम कौन रोशन नहीं करता ये? नहीं रोशन बात, अपन जब समाज के जो आपके आपके समाज के गडरिया समाज से प्रिया रामा स्वामी नायकर हैं उनके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, जिनके भरने के लिए उनका आप भर नहीं रहे हो, और जो भरने के लिए नहीं है उनका नाम भर रहे हो। देखो प्रिया रामा स्वामी का स्वामी नायकर का नाम सुना है क्या? प्रिया रामा स्वामी नायकर का नायकर हाँ, का नाम जी सुना है आपने हाँ, वो कौन से समाज से थे? अब जी नहीं पता भैया, नाम तो सुना है हमने। तो यही यही तो चीज है, जो जो समाज के उनका नहीं भरा जा रहा है, जिनके बारे में दुनिया जानती है। देखो ये पहले हमारी बात सुनोगे? एक मिनट आप दो लाइन थोड़ा सुन लो। हाँ बोलिए बोलिए। तो हुआ था चंद्रगुप्त जन्म से प्रतिभाशाली व तीव्र बुद्धिमान बालक थे। चंद्रगुप्त मेषपाल गडरिया धनगर पुत्र मयूर प्रिय के ग्राम के मुखिया की पत्नी के पुत्र थे, जिसका इनका निवास स्थान नेपाल की तराई पिपली वन में हुआ था। अच्छा अब बताओ क्या है? अब आपको ये पता है ये पिपली वन का निर्माण कैसे हुआ था? आपको क्या पता है पिपली वन का निर्माण कैसे हुआ था? पिपली वन कहाँ, ये कहाँ पिपली वन है, कैसे इसका निर्माण हुआ, यहाँ पर ये सब कैसे आए, आपको पता है कुछ? नहीं जी नहीं पता आपने। तो बस इसीलिए तो कह रहे हैं भैया पहले इतिहास को पढ़िए, पिपली वन कैसे ये पिपली वन बना, वहां के लोग मौर्यों की कैसे उत्पत्ति हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का क्या नाम था, अच्छा उसकी माता का क्या नाम था? आपने गाना तो भर दिया है। क्या उसके चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? माता का नाम तो कुछ देखना पड़ेगा, पिताजी का नाम तो हमने बता दिया आपको। पिता का नाम क्या है उसी में हमने बोला तो है। क्या नाम है? मेषपाल गडरिया धनगर पुत्र मयूर प्रिय के ग्राम के मुखिया की पत्नी के पुत्र थे। अरे भैया कौन से राइटर की किताब है ये? क्या कौन से राइटर की किताब है? अरे राइटर नहीं भैया, हर जगह देख लो आप तो, इतिहास में देखो तो मतलब। अरे भैया इतिहास में आपको पता है इतिहास कैसे कहते हैं, इतिहास क्या होता है? इतिहास की फुल फॉर्म पता है, इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है? तो भाई साहब आप ये ऐसा करो कि आप हमें बता दो, सो मतलब भाई आपकी बात हम मान जाएंगे। नहीं हम आपको बता रहे ना हाँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने दूसरे लोगों के बहकावे में आके आपने गाना भर दिया है, आपको आपको एक भी चीज पता नहीं है आप यार कुछ है। मुझे तो लगता नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, किसी के बहकावे में आके आपने गाना भर दिया है, उन्होंने लिख के दे दिया आपने गा दिया। राइटर पे थोड़ी नहीं कमेंट होता है, जो गाना गाता है उस पर कमेंट होता है, गाना तो वो गा रहा ना पब्लिक में। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गाना लिखा दे दिया, उसके बाद आपने ये भी नहीं किया कि उस गाने को आप हटा दें, लोगों से बोल दें भैया फलाने ने लिख के दिया था मुझे नहीं जानकारी थी, आपने ऐसा भी नहीं किया। आपको पता है कितना बवाल चल रहा है इतिहास के साथ में छेड़छाड़ के मामले में, पता नहीं कितने लोग जेल गए हैं। बहुत तो सही है, जेल ऐसे थोड़ा ना जाते, कोई कोई यार मर्डर कर रहा है। अरे अच्छा मर्डर क्यों नहीं कहते, मान आने के मुकदमे कैसे कैसे लोग जेल चले जाते हैं? सोशल मीडिया पे कोई वैसी भड़काऊ पोस्टर डाल दो उसमें लोग जेल कैसे चले जाते हैं? आपने जो गाना डाला है आप दे आपको आपको पता चल जाएगा कैसे जेल जाते हैं। एक एक धारा बनी हुई संविधान में, पता कितनी धाराएं हैं? क्या संविधान में पता है कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भागों में संविधान लिखा गया है? इसीलिए तो कह रहे हैं भैया किसी दूसरे के बहकावे में आके उसने गाना लिख दिया, कोई भी गाना गाने से पहले उस गाने को समझिए, गाना हम कैसा गा रहे हैं, गाने में क्या है क्या नहीं है, तब गाना गाया जाता है। चलो ठीक है भैया, आपने उस गाने को गा दिया ठीक है, रखें रखें क्या भैया,
आपने जो अब ये तो बता दो, आप प्रमाण दे रहे हो, आप उस प्रमाण के बारे में आप खुद नहीं सिद्ध कर पा रहे हो। यार तो प्रमाण आप दे दो ना, हम आपसे बोल तो रहे भैया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है, जो 340 ईसा पूर्व में आप बता रहे हो, पहले तो आप ई और वो बोल रहे हो, ये ईसा पूर्व से बोला जाता है। ADBC पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा है कभी? नहीं तो बस इसी चीज, इसीलिए तो कह रहे ना, जिसने जैसा समझा दिया। वो एक गडरिया के घर में सहायता के लिए गया था, उसकी माँ गई थी तब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, वो गर्भ में था जब राजा ने आक्रमण किया था, और वो राजा के भय से भाग के आई थी, पता है आपको, नदी में डूब के आई थी। पढ़ा है आपने कहीं अच्छा इतिहास में? तो वही तो आप मतलब आप भेजो, हम देख लें भैया, आपकी बात सत्यमान है। हम अरे भैया इतिहास खोल के देखिए, इतिहास इसे जब हम अरे आपसे तो कह रहे हैं कि इतिहास आप कितने इतिहास पढ़े क्या लिखे बता। हो, आप अरे कह रहे हैं मैं भाई बीए बीकॉम सब कुछ, किसी की फुलफॉर्म नहीं आपको पता है। जे कह रहे हैं कि हम अब इतिहास आप बताओ कहाँ पे हम इतिहास देखे ले। हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पीटीपी की बुक है आपके पास में? आप तो ऐसा करो, भाई इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दो, हम देख लें उसको। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, पीटीपी की हम आपके पास में भेजें? पीटीपी की बुक आप मोबाइल पर सर्च कर लीजिए और देख लीजिए अच्छा तुरंत, ठीक है ना? ठीक है साहब, और उस गाने को वहां से काट दीजिए, सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है अभी, लोग FIR के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं इधर से उधर। अभी आप इन झांझरों में पड़े नहीं हो भैया, इसलिए आपको पता है कि इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने से क्या होता है। आपको किसी चीज की फुल फॉर्म नहीं पता है, आपको कोई भी जानकारी नहीं है किसी भी चीज के बारे में, और आपने गाना गा दिया है, उसके बाद में आपने ये भी नहीं, जैसे ही बवाल चालू हुआ था आप उस गाने को हटा दें। हेलो, हेलो, हेलो हेलो। जी भैया।